सबसे पहले हम अपने बालों को करेंगे टैंगल फ्री, यानी कि अच्छी तरह से कोम करेंगे। स्टेप नंबर टू में हम अपने बालों को गीला करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है नॉर्मल सा वाटर। नॉर्मल से वाटर का थोड़ा थोड़ा पानी लेकर मैं अपने बालों को गीला कर रही हूँ। ध्यान रखिए कि एक साथ सारे बालों को लेकर पानी में नहीं डुबोना है, इससे हमारे बाल ज़्यादा ही गीले हो जाएंगे। इसीलिए हल्का हल्का पानी लेके, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी लेकर अपने बालों को गीला करें। यहाँ पर हमें चाहिए दो रबर बैंड, एक कॉम, एक क्लचर और एक पतला सा स्टॉल यानी कि दुपट्टा। अब हम अपने बालों को डिवाइड करके पार्टीशन करेंगे। ठीक इसी तरह से हम पीछे के भी बालों को डिवाइड करके दो पार्टीशन में बांट देंगे। यहाँ पर मैंने अपने स्टॉल को बराबर हिस्सों में बांट लिया है। अब उसे हम लोग अपने सर पे कुछ इस तरह से रखेंगे। इसके बाद क्लचर की मदद से अपने बाल और दुपट्टे को अच्छी तरह से सिक्योर करेंगे। यहाँ पर मैंने बालों का लिया है एकदम पतला सा सेक्शन, मतलब बालों का एकदम पतला सा हिस्सा। आप ध्यान रखें कि मोटे से हिस्से को कभी नहीं लीजिए, हमेशा पतले पतले हिस्से को ही लीजिए और दुपट्टे के चारों तरफ उसे अच्छी तरह से लपेट लीजिए, यानी कि उसको रोल कर लीजिए। इस तरह से धीरे धीरे करके आप बालों का एक छोटा छोटा पतला पतला हिस्सा लेकर बार बार उस स्टॉल के ऊपर उसको अच्छी तरह से रोल कीजिए। इससे हमारे बाल को कर्ल होने में काफ़ी मदद मिलेगी। सो इस तरह से मैंने 5 से 6 सेक्शन निकाला है बालों का और 5 से 6 बार उस दुपट्टे के ऊपर बार बार अपने बालों को रोल किया है। इसके बाद लास्ट वाले हिस्से को अच्छी तरह से फोल्ड करना ना भूलें और जिस तरह से हम जूड़ा बनाते हैं ठीक उसी तरह से हमें अपने बालों को बनाना है और लास्ट में अपने बचे हुए दुपट्टे के हिस्से को भी जूड़ा बनाकर एक रबड़ की मदद से उसको अच्छे से सिक्योर कर लेना है। जिस तरह से मैं वीडियो में अपने बालों को रबर की मदद से सिक्योर कर रही हूँ, टाइटली 2 बार बांधिएगा। जिस तरह से हमने उधर साइड किया था ठीक उसी तरह से इधर साइड भी हमें अपने दुपट्टे के अंदर अच्छे से अपने बालों को रोल कर लेना है और सिक्योर कर लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और लास्ट में मैंने निकाल लिया है क्लचर। अब मैं 5 से 6 घंटों के लिए थोड़ा सो लूंगी, इसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। सोने की वजह से मेरा बाल तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया। चलिए खोल के देखते हैं कि हमारे कर्ल्स हुए कि नहीं। आप इसका फाइनल रिजल्ट देख सकते हो कितना अच्छा और प्यारा कर्ल्स हुआ है। और अगर आप चाहो तो इसे 2 घंटे के अंदर भी खोल सकते हो, लेकिन कई बार मैं ये करके सो जाती हूँ, मुझे समय का पता नहीं चलता है और काफ़ी लंबे समय तक ये मेरे कर्ल्स टिकते हैं। इसमें किसी भी तरह के स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपके स्टे करेंगे।